इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस व एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 विदेशी युवकों को रायबरेली पुलिस व एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लाखों रुपए का सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन युवकों को गौर से देखिए, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय ठग हैं, ये सभी नाइजीरिया के रहने वाले विदेशी हैं। इन आरोपियों द्वारा इंडिया की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी का गौरव धंधा किया जाता था। हाल ही में इन आरोपियों द्वारा रायबरेली शहर के मिल एरिया थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती से लाखों रुपए की ठगी की गई थी, जिस पर मिलिया थाना पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपी विदेशी हैं और ये दिल्ली में बैठकर फोन के जरिए चैटिंग कर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और उनसे ठगी करते थे। खुलासा होते ही हम आपको बता दें कि सीओ सिटी बन्ना सिंह ने बताया कि 3 आरोपी काफी साथी हैं और विदेशी हैं। इनके द्वारा अब तक पूछताछ में 32 लाख रुपए की ठगी की बात स्वीकार की गई है। इनके कब्जे से 5 लैपटॉप, 10 फोन, 3 इंटरनेट मॉडम, 1 राउटर, 1 पासपोर्ट, 1 पासपोर्ट कॉपी, 2 सिम कार्ड, सोने के आभूषण आदि बरामद किए गए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है। आज इसी के चलते सीओ सिटी रायबरेली बन्ना सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बृहद रूप से जानकारी प्रदान की। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी मनीष के साथ। ये आज मलेरिया पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ी सफलता मिली है। एक जो साइबर फ्रॉड करते हैं, एक बड़ा गैंग है, नाइजीरिया के अभियुक्त हैं, वो गैंग पकड़ा गया है दिल्ली से एसटीएफ के सहयोग से। वो 3 अभियुक्त यहाँ रायबरेली जनपद में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वादनी को गिफ्ट भेजने और ये अन्य उपहार भेजने के नाम पर 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए गए थे, जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ था और विवेचना चल रही थी। उसी विवेचना के क्रम में इन 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पुलिस निरंतर जो है इनका पीछा कर रही थी, इनको फॉलो अप कर रही थी इनका, और कल इनकी दिल्ली से गिरफ्तारी हो पाई है। इनके पास से 5 लैपटॉप, 10 मोबाइल और अन्य इंटरनेट माध्यम जो भी प्रयोग करते हैं अपना ऑनलाइन ठगी के मामले में, वो सभी सामग्री प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग लोगों को वो धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। उनसे जब पूछताछ की गई, जो नाइजीरियन अभियुक्त हैं, तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोग पैसा प्राप्त कर लेते हैं खाते में, तो तुरंत ही हम उसको नाइजीरिया अपने जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनके खाते पहले भी फ्रीज कराए जा चुके हैं और जो इनका इस कार्यक्रम में इनकी जो भी ये कार्य करने की शैली है, उसमें जो माध्यम है वो लैपटॉप बरामद हो गया है। 5 लैपटॉप है, उनमें से 1 लैपटॉप वो भी है। इसमें अभियुक्त अपनी स्वयं की फ़ोटो नहीं डालते थे, बल्कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाते थे, जिसमें वो एक डॉक्टर हैरी एंड्रिक हैं, जिनकी आईडी और फोटोज़ का इस्तेमाल किया गया था वादिनी को प्रभावित करने के लिए। और उसी के माध्यम से उसको बताया गया कि मैं इस पद पर हूँ और आपको ये कस्टम के नाम पर, महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर, पहले कभी मनी ट्रांसफ़र चार्ज और अन्य सुविधाओं के नाम पर उससे अलग अलग समय पर अलग अलग धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई गई। गिरोह के 3 लोग गिरफ्त में आए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 3 अभियुक्त हैं जो 2019 से दिल्ली में किराए पर मकान लेकर के रह रहे थे।